जूनागढ़ राज्य में जगन के ढाबे पर भटूरिया नाम का एक नौकर काम करता था। एक बार होलिका दहन के दिन एक चिंगारी उड़कर जगन के ढाबे पर जा गिरी, जिस कारण ढाबे में आग लग गई। जगन ने भटूरिया से कहा कि भटूरे वाली तेल भरी कड़ाही अंदर से हटा दो, लेकिन तभी कड़ाही के तेल में आग लग गई और उसी तेल से जलकर भटूरिया की मौत हो गई। इस घटना को आज 10 बरस हो गए। आज फिर होलिका दहन है। भटूरिया भूत अपने दोस्त गधैया भूत के साथ इस बार गांव में ही होलिका हुड़दंग करने का प्लान बनाकर आया था। ओ डाकिया डाक लाया। खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया। डाकिया डाक लाया। अरे जयपाल काका, अरे बहुत दिनों बाद इधर दिखाई दिए। अरे कभी मेरे लिए भी कोई चिट्ठी ले आओ। अरे तुम्हारे पास ही आ रहे थे। हाँ, किसी ने तुम्हें पत्र भेजा है, अपना नाम पता नहीं लिखा। अच्छा लाओ देखो जरा, मुझे कौन चिट्ठी लिखने वाला है भाई। अरे ऊपर तो तुम्हारा ही नाम लिखा है। अरे खोल कर तनिक पढ़ो तो सही, शायद अंदर कुछ लिखा हो। है? एक मिनट, इसमें लिखा है, प्यारे जगन, तुम्हारे भटूरे के बचे तेल ने मुझे यहां तक पहुंचाया जबकि मेरा समय नहीं हुआ था। खैर मैं यहां खुश हूं। आज होलिका दहन के दिन ही मैं तुमसे बिछुड़ गया था। आज फिर होलिका दहन है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। तुम्हारा भटूरिया? अरे ये तो वही भटूरिया है जो तुम्हारे यहां काम करता था और होली के दिन जलकर मर गया था। ले जाओ, मैं नहीं जानता कुछ। गांव का ही कोई लौंडा मजाक कर रहा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को देख लूंगा। अरे भाई हमारा जो काम था वो कर दिए हैं, तुम्हारे पते में चिट्ठी थी पहुंचा दी, अब तुम जानो क्या करना है तुम्हें। पूरे गांव में भटूरिया भूत की चिट्ठी की चर्चा होने लगती है। अरे अचानक मुझे सरदर्द क्यों होने लगा, कहीं सचमुच में ये भटूरिया की चिट्ठी तो नहीं। उफ, अब चलते हैं झुमरू नाई की दुकान पर, वहीं बाल कटवा कर मालिश करवाऊंगा, तभी मेरा सरदर्द ठीक होगा। झुमरू नाई की दुकान पर भटूरिया भूत पहले से ही झुमरू बनकर खड़ा होता है। आओ आओ जगन सेठ, हैं कहो क्या हाल है, सुना है तुम्हें कोई चिट्ठी आई है। हाँ भाई, जिसने भी ये मजाक किया है अच्छा नहीं है, टेंशन से सर फटा जा रहा है। चल जल्दी बाल काट कर अच्छी तरह से सर में मालिश कर दे। वैसे तो हम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मालिक एक बार मैं भी देखा हूँ भूत। बचपन में मैं नानी घर पर रहता था, तभी एक आदमी जो आपके ही जैसा था। इतना कहकर झुमरू चुप हो जाता है। आगे क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? अरे छोड़ो मालिक, आप तो इन सब पर विश्वास नहीं करते, फिर आपको सुनाकर क्या फायदा। तभी झुमरू दुकान पर पहुंचता है। अरे जगन सेठ, तुम कब आए और दुकान का ताला कैसे खुला? दुकान का ताला कैसे खुला मतलब? अरे पहले ये बताओ, तुम बोलते बोलते एकाएक बाहर कैसे चले गए? अरे मैं तो बाहर ही था। ए तू बता, तू अंदर कैसे गया? मैं तो सरपंच के ससुर मर गए थे तो सरपंच जी का मुंडन करने गया था। अरे मजाक मत कर, अभी तो तभी अचानक जगन की नजर शीशे पर जाती है। शीशे में पीछे भटूरिया मुस्कुराते हुए कैंची लिए बाल काटने को तैयार दिखाई देता है। जगन डर के मारे कांपने लगता है। अचानक उठकर भूत भूत चिल्लाते हुए बदहवास भागता है।
अरे कहाँ भागे जा रहे हो है? अब आ ही गए हो तो बाल कटा के जाओ। भागते भागते जगन थककर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर पहले से बैठा गधैया भूत उससे पूछता है, भैया तुम इसी गांव के लगते हो, इस गांव में कोई होटल वोटल है या नहीं जो अच्छा लजीज खाना खिलाता हो? है ना, विश्व प्रसिद्ध जगन का ढाबा, एक बार खाओगे तो हाथ चाटते रह जाओगे। अच्छा, अभी तो वहीं से खा कर आ रहा हूँ, बड़ा ही घटिया खाना था। अच्छा, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ, फिर खाना किसने खिलाया तुम्हें? पता नहीं, कोई उसी का स्टाफ था, अपना नाम भटूरिया बता रहा था। भैया थोड़ा सुरती मिलेगी? क्या कहा, भटूरिया? वहां भी? वहां भी मतलब? ए भाई, मुझे तो तुम कुछ घूमे हुए आदमी लगते हो, बाल भी आधा कटवा कर घूम रहे हो, बताओ है? ए भैया, अपना इलाज जितनी जल्दी हो सके करवाओ। ए भैया खैर, सुरती लाओ। क्या कहा, मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ। अरे वो तो भटूरिया भूत ने, खैर जाने दो। फिर तुम कहोगे कि भटूरिया तो ढाबे पर था, ऐसा क्या कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता? गधैया भूत उछलकर पेड़ के ऊपर पहुंचकर उल्टे पैर के सहारे चमगादड़ की तरह लटक जाता है। अरे इसमें क्या बात है, उल्टे होकर कोई भी लटक सकता है। अरे ठीक से देखो। जगन पैर के ऊपर देखता है, गधैया भूत बिना किसी सहारे के उल्टा होकर हवा में लटक रहा था। जगन की चीख निकल गई। मुसाफिर कौन हो तुम? मुझे तो सब गधैया भूत कहते हैं। मेरे दोस्त भटूरिया के साथ होली मनाने आया हूँ, पता नहीं किधर चला गया। जगन गधैया और भटूरिया भूत दोनों का नाम सुनते ही बिना पल गंवाए जोर से भागना शुरू करता है। बचाओ बचाओ, भूत भूत, गांव में दो दो भूत घूम रहे हैं, भागो। अबे मेरा चुनौती और सुरती तो देते जाओ। इधर झुमरू की दुकान पर उसकी बीवी सुंदरी खाना लेकर पहुंचती है। ये लो कन्नू के पापा, आ जाओ, गरम गरम छोले भटूरे बनाए हैं, खा लो। अरे वाह, मेरे मन पसंद के छोले भटूरे, लाओ अभी खा लेता हूँ, वैसे भी आज सुबह से परेशान हूँ। ऐसा क्यों, क्या हो गया, सवेरे से परेशान हो? अरे मैं सरपंच के यहाँ से बाल बना कर आया तो देखा कि जगन मेरी दुकान खोलकर अंदर बैठा है और अजीब अजीब हरकत कर रहा है। ए, मुझे देखते ही भूत भूत कहकर चिल्लाते हुए भाग गया। तभी दुकान के बाहर से सुंदरी की आवाज आती है, अरे किससे अकेले में बड़बड़ा रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना, लो खाना खा लो, खाना लेकर आई हूँ। तुम तो फिर ये कौन है? झुमरू की नजर जैसे ही आईने पर पड़ती है, वो देखता है कि भटूरिया खाने की थाली लेकर खड़ा है। उसके होश गुम हो जाते हैं, बदहवास भागने लगता है। अरे रे क्या हुआ, दुकान इस तरह खुली छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाग ले पगली, दुकान में भूत घुसा है, जान बची तो लाखों पाए। शाम को गांव में होली के उपलक्ष्य में गांव का सेठ करोड़ी मल भांग और ठंडाई की पार्टी रखता है। उस पार्टी में गांव के सभी लोग पहुंचते हैं। पार्टी में गधैया और भटूरिया भूत के चर्चे हो रहे थे। सभी लोग जगन और झुमरू से उनके बारे में सुन रहे थे। अबे भटूरे, चल दो दो गोला भांग खाते हैं, छक कर ठंडाई भी पियेंगे। चला चलते हैं, ऐसे भी बिना भांग पिए जगन को सबक नहीं सिखा सकता साला, ऐसे नॉर्मल में मालिक नौकर वाला फीलिंग आता है। गांव वालों, हमने आप सभी के लिए पकौड़ी भांग और ठंडई का प्रबंध किया है, जमकर लुत्फ उठाइए, पर सनद रहे, ओवरडोज लेकर हुड़दंग करने वालों के लिए विशेष बॉडीगार्ड की भी व्यवस्था की गई है, इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, समझ गए?
समझ गए ना गांव के लोगों, बड़ा ही कीमती और अमृत समान भांग और ठंडई का इंतजाम जो है शेर जी ने हम सभी के लिए किया है। इसके लिए हम तहे दिल से शेर जी को शुक्रिया अदा करते हैं। जय हो। ए भाई, मैं गारंटी लेता हूँ कि आज के दिन मैं चोरी पैकेट मारी नहीं करूंगा। शाबाश, ये ले भांग का गोला। बाबा का प्रसाद समझ के घटक जा। अरे जगन, ए तेरा मुंह क्यों खड़ा हुआ है रे? ये ले भांग का गोला, तू भी बाबा का नाम लेकर घटक जा, फिर सारा गम छू मंतर। भाई, मुझ पर कोई नशा नहीं चढ़ेगा। भाई, मेरा सारा नशा तो भटूरिया के भूत ने उतार रखा है। वो क्या, अरे वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया, सेम टू सेम माई, मेरा भी वही हाल है भैया। उधर गधैया भूत और भटूरिया भूत दोनों छक्कर भांग और ठंडाई का सेवन करते हैं। अबे भटूरिया, भूत बेताल के रहते पार्टी में जब तक कुछ हुड़दंग ना हो तब तक मजा नहीं आता। भाई, मुझे तो ले देकर जगन ढाबे वाले पर ही ध्यान जाता है। साला बहुत सताया मुझे, आज मैं इसे मजा चखा के रहूंगा, बता रहा हूँ। भटूरिया जाकर जगन में घुस जाता है। जगन को सेठ की बीवी मंजूरी कमला के रूप में दिखाई दे रही थी। अरे कमला, तू इधर क्या कर रही है? चलो उधर ठंडाई पीते हैं और मजा करते हैं। कसम से, तेरी नशीली आंखें देखने के बाद कोई नशा ही नहीं चढ़ता मुझे। जगन, तू ज्यादा पी चुका है, ऐसा कर तू घर जा, झमेला थोड़ा इधर आना तो। ए जी मालकिन, बोलिए। इसको ओवरडोज हो गई है, इसे घर पहुंचा दो। अरे बिना तुम्हारे मैं घर जाकर क्या करूंगा कमला, चल उधर कोने में चलते हैं, तू ही तो मेरी पहली और आखिरी प्यार है। क्या बकते हो, सुनो जी, किधर गए, इधर आओ। क्या हुआ भाग्यवान? इसका ओवरडोज हो गया है, इसे बाहर कराओ, इधर उधर बड़बड़ा रहा है। क्या बोल रहा है? मालिक, ये मालकिन को बोल रहा है कि तू ही मेरी पहली और आखिरी प्यार है, चलो कोने में चलते हैं। जगन, ए तेरी इतनी हिम्मत की मेरी ही पार्टी में आकर मेरी ही बीवी से फ्लर्ट करे? तुझे बर्बाद कर दूंगा, हाँ, तेरा ढाबा बंद करवा दूंगा। देखो सेठ, ये मेरा और कमला के बीच का मामला है, अच्छा होगा कि तुम दूर ही रहो। सिक्योरिटी, इधर आओ, इस कमीने को उठाकर बाहर फेंक दो, और हाँ, देखते रहना ये दोबारा भीतर ना घुस पाए। जाता हूँ जाता हूँ, मैं खुद ही तेरी पार्टी को लात मार कर जा रहा हूँ, चल कमला घर चल। देख क्या रहे हो, धक्के मार कर निकालो बाहर इस कमीने को, मेरी बीवी का मेरे ही सामने हाथ पकड़ रहा है, हैं? तुम्हारी बीवी है, मेरी बीवी को अपनी बीवी बता रहा है, हैं? सेठ, तुम्हें ज्यादा चढ़ गई है लगता है, जाकर सो जाओ, चल कमला चल। इधर गधैया भूत झमेला में जगन के रूप में घुस चुका था। हो हल्ला सुनकर कमला वहां पहुंचती है। अरे कमला, तू कहां थी, कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। अरे झमेला, नौकर है तो नौकर जैसा रहे, ज्यादा नशा चढ़ गया है तो अपनी मालकिन के साथ रोमांस करेगा, अभी एक फटका पड़ेगा तो सारा नशा फुर्र हो जाएगा। नौकर, किसका नौकर? ओ तेरा, कोई बात नहीं कमला, जमाना तो है नौकर बीवी का, हे हे। तभी कमला की नजर जगन पर पड़ती है जो मंजूरी का हाथ पकड़कर खींच रहा था। कमला जोर से चिल्लाकर, जगन छोड़ मालकिन का हाथ, तू घर चल, मैं तुझे बताती हूँ। अरे दूसरे के बीच में तो काहे पड़ती है, बड़ों की पार्टी है, वहाँ सेठ जी है ना। अरे कमला, तू उधर कैसे, तो फिर ये तभी भटूरिया जगन के शरीर से अलग हो जाता है। अरे मालकिन, माफ करना मालकिन, अरे कमला, भारी मिस्टेक हो गई। घर चल, माफी तो मैं दूंगी तुझे, ऐसी मिस्टेक करूंगी कि तू कभी मिस्टेक के लायक नहीं रहेगा। ओ भाई साहब, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान है, अभी भी तुम मिस्टेक ही कर रहे हो, मेरी कमला को अपनी कह रहे हो, जाओ कहीं और जाकर मिस्टेक करो। चलो कमला, इन लुच्चों का तो यही काम है, झमेला छोड़ कमला को।
ओए सेठ, झमेला मैं नहीं, झमेला तो वो कर रहा है। मिस्टेक पर मिस्टेक किया जा रहा है। कभी तुम्हारी बीवी तो कभी हमारी बीवी को अपनी बीवी बता रहा है।